इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वैश्विक कोरोना महामारी ने देश में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा देश एकजुट है और बढ़ चढ़कर हर प्रकार की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। फतेहपुर में भी हमने पीएम मोदी के लॉकडाउन के आदेश का असर देखा। सड़कों में चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा रहा, वहीं इक्का दुक्का लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए बाहर निकल भी रहे थे। शहर के हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, जो लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने का निवेदन भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों पर सख्ती भी दिखाते हुए बेकार में बाहर घूम रहे लोगों की गाड़ियों का चालान तक किया और सख्त हिदायत भी दी कि 14 अप्रैल तक अब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जैसे कि कहा गया है कि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानों और परचून की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। फतेहपुर में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद हैं और कोरोना वायरस को हराने में सहयोग दे रहे हैं। हमें तो कोई दिक्कत समझ में नहीं, जो सबके लिए हमारे लिए है। अभी गवर्नमेंट का आदेश है तो उसका तो पालन करना पड़ेगा। बाकी रोजमर्रा में तो कुछ न कुछ तो दिक्कतें आएंगी। किस तरीके की दिक्कतें जा रही हैं? जिस काम में जाना है तो वो थोड़ा समस्या आ रही है। किस लिए आज निकले हैं जी? किस लिए निकले हैं आज? टांका कटवाने जा रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है तो उनका टांका कटवाने जा रहे हैं। रास्ते में कहीं कोई रोक रहा है? कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे हिंदुस्तान में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम लोग लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और फतेहपुर जनपद वासियों को इस बात के लिए बधाई भी देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग दिया है। सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। हम उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी आपूर्ति के हर सामान को उनके पास तक पहुंचाने के लिए हर समय हर पल प्रतिबद्ध हैं और हमेशा उनके साथ हैं। वो लोग केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने घरों पर रहें। आप सबके साथ, आप सबके सहयोग के साथ हम सब लोग मिल करके लॉकडाउन को सफल बनाएंगे और कोरोना वायरस पर विजय। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।